हेलो एवरीवन, होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम फिर निकल पड़े हैं किसी एक सफ़र पर। तो आप देख सकते हैं सामने आई लव रामपुर का है। तो हम रामपुर से हैं, तो जो मेरे व्लॉग पर नए होंगे उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, और जो मेरे व्लॉग पे पहले से बने हुए हैं तो उन्हें तो ये बात अब पता ही होगी। तो आप सामने देख सकते हो आज मौसम कितना अच्छा है, और कितने मतलब धूप भी है, क्लाउड्स भी है, और मतलब व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस मैं इसे कैप्चर करती चली गई। फिर आप मेरे साथ बने रहे और देखें कि आज हम कहाँ निकले हैं। तो अगर अब हम कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी को भी भूख लगेगी, तो हम उसे पहले ही खाना खिलवा देते हैं। तो हम डाल देते हैं पहले डीजल, फिर उसके बाद ही हम आगे निकल पाएंगे। तो बस मैं यहाँ पर एंगल चेक कर रही थी और दिखाई थी कि हमारे साथ आज तीसरा मेंबर भी है जो आज हवा का पूरा आनंद ले रहा है। तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए थे कुमारसन की रास्ते पर। जो जो लोग यही लोकल है उन्हें तो पता ही होगा कि ये शॉर्टकट है नारकंडा के लिए जाने के लिए। तो वैसे तो मुझे आपको ये बताना नहीं था, बट अब मैं कुमारसन के रास्ते में हूँ तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। तो अब हम यहाँ पहुँच गए थे नारकंडा की सुंदर सुंदर वादियों में। तो आप देखें कि यहाँ पर स्नोफॉल तो हो ही गया है, हो ही गया नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका है। तो चलो आप व्यू का आनंद ले लो पहले। हेलो एवरीवन, तो फाइनली वेट इज़ ओवर। तो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में स्नोफॉल है, और इतने दिनों से मैं इसका वेट कर रही थी, फाइनली हम स्नोफॉल देखना है। और थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ने भी स्टार्ट हो गई है, आई थिंक आधे घंटे में स्टार्ट हो जाएगी पूरी। तो आज तीसरा भी है, बट वो मंकी के पीछे पड़ा है अभी। आप देख सकते हो इतनी ठंड है यहाँ पे, लिटरली मुँह से भाप निकल रहा है, इवन इसके मुँह से भाप निकल रहा है। तो बस रियो और मुझ में इतना ही पेशेंस था, तो हम तो निकल पड़े बर्फ़ के अंदर खेलने के लिए। तो मुझसे पहले आप देख सकते हो रियो भागे चले जा रहा है। मैं इसके वो जितना बर्फ़ से थोड़ा सा मतलब मारने की कोशिश करती थी, दूर दूर भागे चला जा रहा था। स्टार्ट किया अपने हस्बैंड पे अटैक, तो मैंने उनको बर्फ़ के खूब गोले मारे, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो हम एक दूसरे को अटैक कर रहे थे बर्फ़ से, और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे तो हम दो पे दो, बट वी इंजॉय आवर कंपनी, तो वी डोंट नीड एनी थर्ड पर्सन। तो हम अपना इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ रियो दौड़ा चला आया, तो रियो को हम जब भी बर्फ में डाले तो बहुत इंजॉय कर रहा था। तो थोड़ा दूर जाता और फिर लौट के दौड़े दौड़े वापस आ रहा था ताकि हम उसे बर्फ में डाल सके। सुंदर वेदर हो चुका है आजकल हिमाचल में, यू कांट इवन इमेजिन। प्लीज डू विजिट हिमाचल। और यहाँ पे इतना इतना सुंदर लग रहा है, अब मेरे बैकग्राउंड में देखो रियो, आई मीन कितना प्यारा है। और ये नारकंडा है, नॉट मनाली, नारकंडा है। और नारकंडा में अब भी चारों तरफ बर्फ़ पड़ रखी है। तो प्लीज़ अगर आप हिमाचल से नहीं है तो डेफिनेटली आए और यहाँ पे बर्फ़ का आनंद ले। फिर रियो को यहाँ पे कुछ और लोग मिले जो स्नोफॉल में फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो उसे लगा वो उसकी फ़ोटो ले रहे हैं, बट वो उनके पास वापस जा के उनके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। बट ऑब्वियसली सब लोग अभी जब तक किसी डॉग से इंटरेक्ट नहीं करते उससे डरते ही है। फिर उसके बाद वो उसकी वीडियो लेने लग गए और उसके साथ फ़ोटो भी खींचना चाहते थे, बट रियो थोड़ा नोटोरियस है, वो स्टिल ही नहीं रह रहा था। तो आप देख सकते हो हम स्नोफॉल को बहुत बहुत इन्जॉय करें। स्नोफॉल तो हम इन्जॉय कर ही रहे हैं, पर हम दोनों से ज़्यादा रियो स्नोफॉल इन्जॉय करें। एंड लिटरली ये सबके लिए स्टार बन गया है, आई मीन एवरी सिंगल बडी हेयर वॉन्ट्स टू क्लिक पिक्चर विद हिम। और मतलब ये इतना प्यारा लग रहा है ना स्नोफॉल में इन्जॉय करते हुए, आज का दिन ही बन गया इसको स्नो में ला के। इसकी पहली स्नोफॉल है, 2 साल का है तो पहली बार इसने स्नो देखी है। कोई भी हिमाचल का है उसने तो स्नोफॉल आई ऑब्वियसली इन्जॉय कर ली होगी। आई नो हम ही बहुत लेट है, और हम स्पेशली आज स्पेशली नहीं कह सकते, वैसे तो हमारा प्लान कहीं और का था, बट हम उसके बाद हमने सोचा स्नो देख ले, तो हम नारकंडा आ गए और यहाँ पे स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। एंड आपको देख सकते हो पीछे, आई मीन ये जहाँ इसको जगह मिल रही है वहाँ जाके जम कर रहे, और जितना पॉसिबल हो सके उतना इंजॉय कर रहे हम। मतलब इवन एज अ ह्यूमन वी डोंट इंजॉय एज दैट मच,
ये लोग कितने मासूम होते हैं यार। मैं आपको इसकी क्लिप्स इसके बाद शेयर करूंगी इसके एंजॉय करते हुए। ओके, तो थोड़ा सा रास्ता गलत था, बस चलते हैं। अब इतना ही ठंड सहन कर पाऊंगी मैं आज के लिए, फिर चलते हैं वापस। ऐसा लगता है बीगल बीच बीच में लैब्रा लगते हैं, आपको भी कैसा लगता है? ये मंकीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पहले इसको हम साफ कर देते तभी गाड़ी में बिठा पाएंगे। रियो का ध्यान सारा मंकी में है। मुझे लगता है अब कभी भी जिस हिसाब से मैंने आपको वेदर दिखाया तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। हो सकता है अभी फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो, तो इससे पहले स्नोफॉल स्टार्ट हो हम लोग वापस निकलते हैं। अभी हम बस थोड़ा नागिना तक आगे तक जाएंगे, मेरे मामू के घर तक निकलेंगे। यहाँ पहुँच गए हम नागिना, और जो आप सामने देख सकते हो ये मेरे मामू का घर है। इस वन हम जहाँ से आए थे रामपुर टू नागिना, हम उस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे रामपुर के लिए। अब हम वापस जाएंगे वाया कोटगढ़। कोटगढ़ होकर जाएंगे ना, और कोटगढ़ में एक बहुत ही सुंदर जगह है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलो अब हम अपने रास्ते पे हैं तानी चुब्बड़ के लिए। तानी चुब्बड़ कोटगढ़ की जगह है, उसके अंदर एक गांव आता है, उसमें है गाड़ी। देखो गाड़ी, तो ये आप देख सकते हैं ताने जुबर का टेंपल है, और कुछ लोग यहाँ पे आए भी हैं स्पेशली। ये ताने जुबर है, और ये आप देखो ये लेक टोटली फ्रीज हो चुकी है। यहाँ की वाइब तो और भी ऑसम है। जो नेचुरल साउंड्स होती है जैसे बर्ड की चर्पिंग है, उसको सुन के तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है, जैसे कि आप भी सुन ही सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। जाना है नीचे, गिरेंगे गाइस। फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, और मैं पहली बार स्नोफॉल देख रही हूँ पढ़ते हुए वो भी। फिर हमने यहाँ पर बनाई कुछ प्यारी प्यारी सी रील, तो ऐसे वेदर में ऑब्वियसली रील बनाना तो बनता ही है। इतना अमेजिंग प्लीजेंट एनवायरनमेंट हो रखा था, तो हमने कुछ नहीं खाया था। फिर हमें लग गई भूख, तो हमने सोचा कुछ तो खाया जाए, और खाने के साथ साथ थोड़ा सा रियो को और इन्जॉय करने दिया जाए। तो बस रियो का जैसे ही डोर खुला, उसने तो सबसे पहले सोचा कि क्यों ना एक दौड़ मारी जाए ताकि ये लोग मुझे पकड़ ही ना पाए। तो ये था ताने जुबर, और अब हम रुके हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत है। वैसे तो मैं बाहर का कुछ नहीं खा रही हूँ आजकल, पर क्योंकि हमने आज कुछ खाया नहीं है तो फिलहाल कुछ तो खाना पड़ेगा। तो मैंने फ़िलहाल अपने लिए आटा मोमोस ऑर्डर किए हैं, और ये खाएंगे चीज़ मैगी, और हम पियेंगे हॉट कॉफ़ी ठंड को हटाने के लिए। तो यहाँ पे एक फूड वैन है, बस हम यहीं से खाएंगे। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पराठे, बट आई नो कि यहाँ का खाना अच्छा है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई हियर। तो बस यहाँ आ गई थी मेरी कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मुझे बाहर की कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, पर ये अच्छी थी। तो यहाँ आ गया था हमारा ऑर्डर, तो बस हम इस वेदर के साथ इंजॉय करते हुए अपनी मैगी खा रहे थे जो बहुत टेस्टी थी। तो गाइस देखो जितने स्नोफॉल हो रही थी उसके बाद जितना हम नीचे जा रहे हैं उतना मतलब फॉग हो चुकी है, और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, हमको रोड भी मुश्किल से दिख रहा है, सारा तो फॉग हो चुका है सामने। उसके बाद मैंने डायरेक्टली जब भी शूट स्टार्ट करना किया तो बिथल में स्टार्ट किया, तो हम रुक गए थे गज़ल फूड मार्ट में। तो अगर आप लोग बिथल से क्रॉस करें तो यहाँ पर ज़रूर रुके। और मुझे यहाँ की कुकीज़ बहुत पसंद है, तो वो मैं आपको उसके बाद ऐड कर दूँगी कि मुझे कौन सी यहाँ की कुकीज़ पसंद है और आप क्या ले सकते हो। चौको चिप्स ये सबसे मतलब बेस्ट है गज़ल के, यू शुड ऑल्सो ट्राई।
और ये मैंने कुछ न्यू बिस्किट लिए हैं, आई डोंट नो ये कैसे होंगे, टेस्ट करके देखते हैं। तो शायद से सेकंड व्लॉग में थी, मैंने बिगल ली थी एक व्लॉग में, आई डोंट रिमेम्बर फर्स्ट था कि सेकंड था। तो फाइनली आज हमने रियो को उससे मिला लिया, एंड शी वॉज लाइक, अभी छोटी है तो बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, और रियो तो वैसे भी वही। ये वो क्लिप है जिसमें हमने रियो को ज़ारा, इसका नाम ज़ारा है बिगल बिच का, इससे मिलवाया था। तो रियो ज़्यादा छोटी किसी से मिलता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी सी फैमिली है, और किसी डॉग से भी वो बहुत कम ही मिला है। तो अभी हमने जब इसको इसके साथ इंटरेक्ट कराया, पहले हमने इसे दूर से इंटरेक्ट कराया था, हमने डायरेक्ट नहीं करवाया है। रियो कौन है? ऐसा मत सोचिए कि हम सीधे जाकर इंटरेक्ट कराए, पर वो काफ़ी मतलब शरारती हो गई उसको, मतलब मिलना था उससे। शी वॉज लाइक कि यस हु इज़ ही, आई वॉन्ट टू मीट हिम। तो बस आप भी देखो कैसे इन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। जहाँ पर हमने फूड वैन पे कुछ खाया था और कॉफ़ी पी थी, तो चीज़ मैगी मतलब बहुत ही टेस्टी थी। आई डोंट नो व्हाई कि इस वेदर में मैगी अच्छी लगती है, कि वो थी इतनी टेस्टी, ये तो पता नहीं। पर हमने वहाँ पे आटा मोमोज भी खाए थे वो, पर जब हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पर खाए थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, पर हम जब साथ पैक करके लाए तो हमें टेस्टी नहीं लगे। आई डोंट नो उनको क्या हो गया और वो बेकार हो गया। तो जो सामने ऊपर वाला रास्ता जा रहा है वो रामपुर के लिए जाता है, बट हम यहाँ से जाएंगे डाइवर्जन जो नीचे से जा रहा है, क्योंकि हम हमारा घर है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो यही जो पुल है ये एडजॉइन हो जाएगा वहाँ के लिए जहाँ पे हमें जाना है। तो बस हम यहीं से मुड़ रहे हैं अपने घर की तरफ। लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो निर्मल की तरफ को जाएंगे आप, बट हम जाएंगे राइट साइड। ऑलमोस्ट रामपुर में ही है वैसे, उसे रामपुर ही कहा जाएगा, सिर्फ एक पुल का डिफरेंस है, एक छोटा सा पुल है, उसके लेफ्ट साइड को आते ही हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाते हैं। तो बस तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो आज हम बहुत थक चुके हैं, तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और मुझे इसी तरह से प्यार देते रहे। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बाय बाय।